नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मनसा देवी के दर्शन कराने ले जा रहे हैं। वीडियो में एक क्विज भी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वैसे तो हरिद्वार पूरा ही घूमने लायक है। शाम की गंगा आरती तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा अनेकों घाट और प्रसिद्ध मंदिर, जिसमें से एक है माता मनसा देवी का मंदिर। क्वेश्चन नंबर वन, मनसा देवी मंदिर में जाने के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं? रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर हर की पौड़ी की तरफ चढ़ने पर पड़ता है गौघाट। गौघाट वो जगह है जहां से हर की पौड़ी चंद कदम की दूरी पर है और यहीं गौघाट से शुरू होती है मनसा देवी की यात्रा। शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर एक पर्वत पर माता का भव्य मंदिर है। दरबार में पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, पैदल का रास्ता जिसमें लगभग 187 सीढ़ियों के बाद 1 किलोमीटर लंबे पक्के रास्ते पर चलना होता है, और दूसरा है रोपवे, जिसे बोलचाल की भाषा में उड़न खटोला भी कहा जाता है। वैसे तो ये काफी रोमांचक होता है, मगर इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इसका प्रति व्यक्ति किराया है 90 रुपए। मार्ग में छुटपुट दुकानें और लंगूर मिलेंगे, साथ ही साथ पहाड़ी रास्ते पर ऐसी कई जगह हैं जहां से दूर तक फैली हुई पहाड़ियां आपको दिखाई देंगी। उसमें लुका छिपी खेलती हुई गंगा नदी, यानी पूरा का पूरा हरिद्वार आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर टू, माता का मंदिर किस पर्वत श्रृंखला पर है? पैदल रास्ते में एक शॉर्टकट भी है जो जंगल से होकर जाता है। लोकल लोग ज्यादातर उसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। एक सामान्य चढ़ाई के बाद मंदिर के पास एक छोटी सी मार्केट मिलेगी, जिसमें प्रसाद या पूजा का सामान मिलता है। सामान्य दिनों में दर्शन आसानी से हो जाते हैं, मगर नवरात्रि या विशेष पर काफी भीड़ होती है, इसलिए यहाँ वक्त लग सकता है। यहीं पर एक वृक्ष भी है जिसमें लोग अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं, इसे मन्नत का पेड़ बोलते हैं, और मन्नत पूरी होने पर दोबारा आते हैं धागे को खोलने के लिए। क्विज के जवाब कमेंट में लिखें। पहले 10 सही जवाबों को उनकी फोटो के साथ अगली वीडियो में दिखाया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में बने घंटे को दबाना ना भूलें, जिससे भविष्य का हर वीडियो आप सरलता से देख सकें। वीडियो देखने के लिए इंडिया सिटी गाइड टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।